पेट्रोल शतक पार करके 109 रुपए तक पहुंच गया है, तो वहीं डीजल भी शतक लगाने जिले में लगा हुआ है। डीजल का दाम 99 रुपए 81 पैसे तक पहुंच गया है। वहीं पर भारत का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अनूपपुर जिले में है। विपक्ष महंगाई के इस मुद्दे को घेरने में पीछे नहीं है, जहां पर लगातार पेट्रोल पंप के कार्यक्रम और आज शव यात्रा निकाली गई इसी मुद्दे को लेकर, जहाँ पर मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार को घेर रही है कांग्रेस। वही बढ़ते तेल की कीमत से आम आदमी की जेब भी ढीली हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डीजल के दाम से किसानों को भारी दिक्कत होगी। लगभग सारे कृषि यंत्र डीजल से चलते हैं और ट्रांसपोर्ट ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं, जहां पर हर सामान महंगा मिल रहा है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार हम शव यात्रा निकाल कर मौजूदा मोदी सरकार को जगा रहे हैं। तेल के बढ़ते दाम पेट्रोल और डीजल के पूरे भारत वर्ष में अनूपपुर में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा हुआ है। इस उपलक्ष में हम लोगों ने मोदी का पुतला जलाकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। अगर रेट नहीं कम हुआ तो करेंगे क्या फिर? फिर हम दोबारा इस कार्यक्रम को करेंगे और नियंत्रण करते चले जाएंगे। और कुछ पूछ, सरकार के द्वारा जो रोज के रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनके विरोध में आज हम मोदी जी के शव यात्रा निकाल कर और उसका पुतला दहन किए हैं और जनता को बताएंगे कि आज पूरे देश में सबसे अगर महंगा पेट्रोल और डीजल का रेट है तो अनूपपुर में है। हमारे अनूपपुर के किसान जो आज खेती के लिए उनको ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, तो आज इतना महंगा डीजल कैसे खरीदे? इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करे और किसानों को राहत दे। आज से बदल यंग ब्रिगेड के नेतृत्व में उनका आज राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मोदी का पुतला दहन पेट्रोल डीजल के विरोध में होना था, उसी के आज संदर्भ में हम सभी लोग मोदी की शव यात्रा पेट्रोल पंप से लेकर अनूपपुर के हृदय स्थल गांधी तिराहा पर लेकर आए हैं। और ये हमारा आज एक सांकेतिक है कोविड नियमों का पालन करते हुए, आगे आने वाले समय में और हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आपके खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और लोगों को सपना दिखा रहे थे कि जब मैं आऊँगा तो पेट्रोल का दाम कम होगा, जब मैं आऊँगा डीजल का दाम कम होगा, रसोई गैस का दाम कम होगा, और कई प्रकार के लुहावने वादे, हजार लुहावने वादे करके आप सरकार में आए। और इसके बाद आज उससे दोगुना रफ्तार से, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, तमाम प्रकार की, आज हम ये देख रहे हैं एक आंकड़ा आया स्विच बैंक का, जिसमें हमें पता चला कि पिछले ब्यूरो रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।